आज हम लोग इकट्ठा हैं आजमगढ़ इकट्ठा और आजमगढ़ में ही जो कहरा गांव में स्थित श्री रामानंद सरस्वती पुस्तकालय जो कहरा के प्रांगण में संचालित जो कहरा इकट्ठा दोनों की सहभागीदारी में हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं लाइव होने के लिए। और जैसा कि दौर है कोरोना का, मंची प्रस्तुतियाँ हम कलाकार नहीं कर पा रहे, तो आम जनता तक अपने अपने यहाँ का लोक संगीत जनगीत पहुँचाने का एक माध्यम है सोशल मीडिया प्लेटफार्म लाइव होना। इप्टा ने यह तय किया है राष्ट्रीय स्तर पर कि विभिन्न इकाइयाँ बारी बारी से लाइव होंगी, वहाँ के कलाकार अपने गीतों अपने नाटकों का प्रदर्शन करेंगे। और जैसा कि हम आप देख रहे हैं कि बिहार इक्ता के साथियों ने ऐसा पहले से करना शुरू किया है, और इस क्रम में आज उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के हम इक्ता के कुछ साथी यहाँ उपस्थित हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो जनगीत हम गाते हैं वो हम आप तक पहुँचाएँ। कुछ लोग धुने कुछ लोग गीत वो भी आप तक कोशिश करेंगे पहुँचाने की। और हमारे यहाँ उपस्थित हैं हम सब में हमारे बहुत अच्छे निर्देशक हैं हमारी इक्ता के भाई धर्मराज जी, हमारे साथी राम लखन जी जो एक्टर हैं कलाकार हैं अभिनय करते हैं और गीत भी गाते हैं, भाई जयप्रकाश जी, हमारे हारमोनियम पे इक्टा आजमगढ़ के लोक कलाकार दीपचंद जी, और जोकारा इक्टा के अध्यक्ष भाई सुशील राय जी। हमारे भी बहुत अच्छी लोक गायिका हैं जो नाटक में भी काम करती है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की छात्रा भी है ममता, जिसको हम आप सुनेंगे अभी, और उसके बगल में आप बैठे हैं अमित जी, तो हम अमित को भी सुनेंगे। इप्टा आजमगढ़ के अध्यक्ष डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार सिंह जी आज नाल वादन करेंगे हम सब के साथ, और मैं खुद बैजनाथ हूँ इप्टा आजमगढ़ का सेक्रेटरी। हमारे साथ भाई बृजनाथ जी हैं जो बहुत अच्छे एक्टर हैं, और आप भी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा के छात्र हैं, और जो रिकॉर्डिंग का दायित्व तो हमारा निभा रहे हैं वो शिव कुमार जी हैं। शिव कुमार जी बहुत अच्छे रंगकर्मी हैं नाट्यकर्मी हैं बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो ये हमारी छोटी सी टीम है इक्टा आजमगढ़ और इक्टा जो कहरा मिला करके हम सैकड़ों कलाकार साथी और लोक कलाकार जुड़े हुए हैं, पर यहाँ हम अभी जो लाइव होंगे तो ये बहुत छोटी संख्या है हमारी, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम कुछ गीत आप तक पहुँचाएँ स्क्रीन में। मैं चाहता हूँ कि हमारी ममता जो हैं वो सुनाएं गीत शुरू करें, और आपका पहला गीत है सारी जिंदगी गुलामी में सिरान पिया कजरी, जो कजरी लोक धुन पर है, और तमाम प्रगतिशील साथी देश भर के इसको गाते हैं, तो हम भी कोशिश करते हैं। ममता जी सारी जिंदगी गुलामी में सिरान पिया कहाँ गए ध्यान पिया कहाँ सारी जिंदगी गुलामी
अब ममता जी दूसरा गीत क्या है, गोरख पांडे का चर्चित गीत है गुलमिया अब हम नाही बजेबो अजदिया। खास तौर से तब जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जो गुलामी है उससे देश दुनिया के तमाम देश और खुद हमारा भारत परेशान है, हैरान है। तमाम तकनीकी, तमाम तरह के यंत्र और तमाम तरह की अच्छी सुविधा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा चंद लोगों की मुट्ठी में है और बाकी के लोग जो हैं वो भीड़ हैं। तो जो जिस आज़ादी के लिए कि जिस आज़ादी की परिकल्पना भगत सिंह ने करी थी कि हम ऐसी आज़ादी चाहते हैं जिसमें मानव के द्वारा मानव का शोषण न हो, जाहिर सी बात है कि भगत सिंह शोषण मुक्त समाज बनाना चाहते थे और वैसा समाज उनके बाद की जो हमारी पीढ़ी है हम सब भी न बना पाए, तो आज़ादी अधूरी है। और इसलिए गोरख पांडे का यह गीत भी प्रासंगिक है। आइए ममता जी से यह गीत सुनते हैं। Yeah.
करिए।